हेलो दोस्तों, फाइनली कार्तिकेय 2 आज सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। दरअसल दोस्तों, कार्तिकेय 2 आज से 8 साल पहले 2014 में आई कार्तिकेय मूवी की सीक्वेंस है। दोस्तों, इस मूवी की स्टार कास्टिंग की सबसे पहले बात कर लेते तो इसमें सबसे पहले आपको निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, अनुपम खेर मेन रोल में देखने को मिलेंगे। और इसके प्रोड्यूसर की बात करें दोस्तों, इसमें चंदू मोतेंडी ने प्रोड्यूस किया है। दोस्तों, कार्तिकेय 2 का पिछले 2 सालों से शूटिंग चल रहा था, तो 2 साल बाद आज फिल्म स्क्रीन पर आ गई है। आइए देखते हैं मूवी कैसी है, इसकी कहानी क्या है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि फिल्म में भगवान कृष्ण के भविष्य और भविष्यवाणी करने के लिए समस्याओं के सभी सॉल्यूशन एक विशेष प्रकार के ब्रेसलेट में करने से होती है। कार्तिकेय यानी निखिल एक डॉक्टर है जो अपनी माँ के साथ द्वारका जाता है। वह एक रहस्य में उलझ जाता है जो ब्रेसलेट से संबंधित होता है। क्या है यह खास रहस्य? क्या खास रहस्य है? कार्तिकेय ने इसे कैसे हल किया है? इस सेटअप में अनुपमा परेश्वर कहाँ है? जवाब जानने के लिए आपको फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना होगा। दोस्तों, निखिल और चंदू मोतेंडी एक हिट जोड़ी है। ये एक बार फिर कार्तिकेय 2 में साबित हो चुका है। प्रोड्यूसर चंदू मोतेंडी एक दिलचस्प थ्रिल लिखने में और फ्यूचर और वर्तमान की दुनिया को अच्छी तरह से जोड़ने के लिए जानी जाती हैं। उनकी स्क्रिप्ट एकदम ठीक है जो ऑडियंस रोमांस और रहस्य से भरे क्षण को रियलाइज कराता है। हमें निखिल को बड़े पर्दे पर देखे हुए काफी समय हो गया है। वह अपने करेक्टर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस मूवी में उनकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका है और ऑडियंस को यह विश्वास दिलाती है कि हम जो देख रहे हैं वो वास्तव में सच है, ना कि काल्पनिक। फील्ड में निखिल को पूरे 100 out of 100 मिलने चाहिए। दोस्तों, फिल्म का सरप्राइज पैकेज काला भैरव है जो उनका शानदार म्यूजिक एकदम आपको मदमग्न कर देगा। तो फिल्म के दृश्यों को के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आपको एकदम रुचि पैदा कर देता है देखने में। फिल्म में न केवल रोमांस है बल्कि प्रोड्यूसर ने श्रीवास्तव रेड्डी और चिराग हर्ष की भूमिका के माध्यम से एंटरटेन भी जोड़ा है जो अपनी भूमिकाओं में एकदम सॉलिड हैं और आपको अच्छा एंटरटेन करते हैं। अनुपमा परेश्वरन को एक अच्छी भूमिका मिलती है, वह अपने हिस्से में एकदम साफ सुथरी उतरी है। अनुपम खेर को एक छोटा लेख कर एकदम अट्रैक्टिव रोल मिला है जो वह ऑडियंस में अच्छा माहौल बनाते हैं। कार्तिकेय 2 को दिलचस्प बनाने की बात यह है कि आगे क्या होगा। सत्य की खोज ऑडियंस का ध्यान खींचती है और आपको लास्ट तक बांधे रखती है। उसके माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, इस मूवी के सभी लिंक को अच्छी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिल्म में शुरुआत में थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकती है। भगवान कृष्ण की पूरी अवधारणा और एक विशेष ब्रेसलेट के बाद वर्तमान पीढ़ी में कैसे है, दूसरे हाफ में स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर ब्लेन के एंगल को ठीक से उतारने में विफल रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों, कुल मिलाकर कार्तिकेय 2 अच्छी तरह से बनाई गई है। एक थ्रिलर फिल्म है जो बेहतरीन दृश्यों और प्रोडक्शन से भरी हुई है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम अलग तरीके से दिखाया गया है। तो बाकी दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी है? आपने इस मूवी को कितने स्टार दिए हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वरना आपसे मैं अगले वीडियो में मिलने आऊंगा।